जब भी आपके पास टाइम कम हो और कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, तब आप ये ब्रेड और अंडे से बनी हुई रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने, बड़े हों या बच्चे, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, जिससे ये रेसिपी टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने के बाद डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, मटर, स्वीट कॉर्न और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हरी प्याज। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, या फिर जो भी मैंने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, अगर आप उसमें से कोई भी नहीं खाते हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम इसे एकदम धीमी धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि हल्का सा इस तरीके से रोस्ट करेंगे। इसमें सब्जियों का हल्का क्रंची टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई चम्मच इतना नमक, एक चौथाई चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इस पूरी स्टफिंग को एक अलग मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो अभी जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो मैं इस रेसिपी में टोटल 2 अंडों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 3 या 4 अंडे डालकर भी बना सकती हैं। अंडे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अंडे डालने से पहले आप याद रखें, जो स्टफिंग है वो हल्की ठंडी होनी चाहिए। अगर गरम गरम में डालेंगे तो अंडे जो हैं वो इसी में हल्के टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारी स्टफिंग तैयार है। अभी हम लेंगे यहाँ पर ये ब्रेड स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर ये वाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का यूज़ करके भी इसे बना सकती हैं। तो हम इस तरीके से कट लगाएंगे और बीच का जो वाइट पार्ट होता है उसे हम अलग सेपरेट कर देंगे। इस वाइट पार्ट का यूज़ हम बाद में करेंगे, तो इसे अभी हम साइड से रख देते हैं। तो अभी हमने इस ब्रेड को जो साइड से कट करके तैयार किया है, अभी हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। घी से इसे हल्का सा ग्रीस करेंगे, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है। अभी जो हमने ब्रेड कट करके तैयार किया था इसे इसमें रखेंगे और हमने जो वेजिटेबल और एग की स्टफिंग बनाई थी उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। स्टफिंग डालते समय हम गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे, इसे हमें तेज आंच पर नहीं पकाना है। तो पूरी स्टफिंग को अच्छे से इसमें फैला देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोज़रेला या प्रोसेस कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ब्रेड को जो बीच से कट किया था उसे इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसी तरीके से प्रेस करेंगे। एक साइड से हल्का सा सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे। तो पलटने से पहले हल्का सा घी लगाएंगे इसमें ऊपर से। आप चाहें तो इसमें घी, बटर या ऑयल, जो भी खाना पसंद करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेकने देंगे, जब तक ये अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। तो बस इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे केचप या चटनी, जिसके भी साथ खाना पसंद करते हैं, उसके साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसे बनाकर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकती हैं। तो आपको आज की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।